हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आज मैं आपके सामने साबूदाने का बड़ा बनाने जा रही हूँ। मेरे घर में जो सामान है और जितनी मात्रा में उपलब्ध है, मैं उसमें ही आपको बहुत अच्छे साबूदाने के बड़े बना करके दिखाऊंगी। बहुत लोग इसे फलाहार में भी इस्तेमाल करते हैं। मैं फलाहार में भी इसको बनाने की विधि आपको बताऊंगी। इसके लिए मैंने लिए हैं थोड़े से साबूदाने, जिसको मैंने पहले भिगो रखा था। फिर मैंने लिया है धनिया पत्ती, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार से लीजिएगा। मैंने लिया है इतना अदरक, मैंने लिया है ये इतना बेसन, दो बड़े आलू। आलू की मात्रा आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, जितने लोग घर में हो उस हिसाब से आप आलू इसमें बढ़ा लीजिएगा, और साबूदाना, और यहाँ तक कि हर सामान आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। एक मिर्चा मैंने लिया है। अब हम चलते हैं इसको बनाने की तरफ। अब मैंने उस सारे मटेरियल को एक साथ मिला लिया है, मिर्चे को कट कर दिया है और अदरक को घिस लिया है। आप अगर इसको फलाहार के लिए बनाते हैं तो उसके लिए आप जो मैंने बेसन लिया है उसकी जगह आप सिंघाड़े के आटे का प्रयोग करिएगा। इसमें हम थोड़ी सी भूजी हुई मूंगफली भी डालेंगे। मैंने इसमें इतनी सी मूंगफली डाल ली है। चलिए अब इसको हम तलते हैं। तलने के लिए हमने लिया है एक कड़ाही, और मैंने इसको गर्म करने के लिए पहले ही गैस पे चढ़ा दिया है। मैंने इसमें देखिए इतना तेल डाल दिया है। आप अपने परिवार के हिसाब से चीजों को बढ़ा एवं घटा सकती हैं। अब हम बड़े को इसमें डालेंगे। हमारा तेल हो जाएगा तो हम इसको डालेंगे। बड़े को गोल बनाने के लिए हम थोड़ा सा इसके लिए पानी लगा लेंगे, नहीं तो हमारा बड़ा जो है वो फट फट जाएगा। देखिए धीरे धीरे मैंने अपने इतने बड़े बना लिए हैं, और अब हम इसको तलते हैं। हम इसको डालते हैं गैस पे अपने उसमें। अब हम इसको डालेंगे और धीरे धीरे ही चलाएंगे। हमारा जो है बड़ा धीरे धीरे अच्छा रूप ले रहा है, और देखिए जो बड़ा हो जाए उसको हम निकाल लेंगे, और बाकी बड़ों को इसी तरीके से हम लोग तलते जाएंगे। ये वाला बड़ा होने को है। थोड़ा मेरा गैस का फ्लेम तेज है, इसलिए इसको तेज फ्लेम में ही आपको बनाना है, और चाहे तो आप धीरे में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको तेज फ्लेम में बनाती हूँ। और देखिए ये बड़ा मेरा ये हो गया है, तो मैं इसे निकाल दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। और ये पूरा क्रिस्पी भी है, इस खाने में बहुत अच्छा लगेगा ये। और अगर आप इसे फलाहार के तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये और ही अच्छा लगेगा। धीरे धीरे देखिए मेरा ये एक सेट बड़ा का निकल आएगा, और हम इसको पूरा अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम सारे बड़ों को तल लेंगे। अब हम फिर से उसमें डालते हैं। देखिए हम अपना बड़ा बना रहे हैं। देखिए मेरे साबूदाने के बड़े बन करके तैयार हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा यह बनाई गई साबूदाने की बड़ा बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग भी इसे जरूर ट्राई करिएगा, और इसी तरीके से ट्राई करिएगा। बाय बाय। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी और एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।